हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। तो ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। आपको पता होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी का वेट कर रहे थे कि आपको बता था कि चार तारीख को जो कमेटी है वो रेलवे को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली थी। तो फाइनली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, उसके रिगार्डिंग भी आप ये न्यूज़ देख सकते हो हिंदुस्तान के अंदर। ये आप खुद भी जाके और उस न्यूज़पेपर के अंदर अपनी न्यूज़ देख सकते हो। यहाँ पर ये कम्प्लीट न्यूज़ आ चुकी है कि उन्होंने खुशखबरी आ गई है सभी के लिए ही कि आज जो रिपोर्ट सौंप दी है और अब जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो अब क्या रिपोर्ट सौंपी है इसके रिगार्डिंग भी चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखोगे तो यहां पर क्या दिया गया है कि रेलवे जो आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी और एनटीपीसी रिजल्ट रेलवे मंत्रालय की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट ग्रुप डी परीक्षा को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेगी। देखो ये फैसले की बात है, वैसे इसके रिगार्डिंग तो अपन ने ऑलरेडी देखा था, काफ़ी सारे रेलवे मंत्रालय की तरफ से भी जो ट्वीट आए थे उनसे भी ये सभी को लग रहा था कि जो स्टूडेंट के तरफ से उन्हीं की तरफ से ही फैसला आने वाला है। लेकिन फिर भी चलो आगे देख लेते हैं, इसका निर्णय जल्दी लिया जाएगा, इसके बाद आगे की परीक्षाएं होगी। इधर रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट यहां पर जो एक बार ये छुप गया, चलो मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये देखोगे इधर रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार बढ़ाने और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक बार लिए जाने के लिए देशव्यापी आंदोलन हुआ था। ये तो देखो सभी को पता होगा, यहाँ पर जो मेन इश्यू था कि वो एक तो जो रेलवे के अंदर 20 गुना पास करने थे एनटीपीसी के अंदर और सीबीटी जो ग्रुप डी के अंदर जो सीबीटी 2 कर दी थी उन्होंने, सीबीटी 2 हटाना था, उसी की रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है। इस आंदोलन में पकड़े गए अभ्यर्थियों का अभी तक बेल नहीं हुआ है, वहीं शिक्षकों को दर्ज हुई प्राथमिकी भी समाप्त नहीं हुई है। अलग आपको बताऊंगा खान सर के रिगार्डिंग और काफ़ी सारे जो टीचर थे उनके रिगार्डिंग जो वहाँ पर जो एफआईआर लिखी गई थी अभी तक वो भी खारिज नहीं की गई है और कुछ स्टूडेंटों को पकड़ा भी था तो उनकी भी अभी तक बेल नहीं हुई है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे कहा है कि छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश भर में सभी आरआरबी में जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत की थी, इसकी समस्या को सुना था। रेलवे की ओर से अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। तो ये काफ़ी सारे ऐसे सेंटर पर थे जहाँ पर आपको बताया गया था कि इस सेंटर पर जाके और आप खुद भी वहाँ से मिल सकते हो जो कमेटी वाले मेम्बर थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट गए भी थे और खूब सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो ये बताया गया यहाँ पर इन समस्याओं को सुना था रेलवे की ओर से, ये अपन ऑलरेडी देख लिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन मांगे थे। इस आवेदन को 16 फरवरी तक लिया गया था। रेलवे के करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है? तो कम से कम 3 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के बाद कमेटी को सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर 4 मार्च तक रिपोर्ट जमा कराना था। वहीं इस कमेटी शामिल आरआरबी के कार्यालय निदेशक स्थापना सदस्य सचिव राजीव गांधी ने बताया कि मंत्रालय की रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है, इस पर मंत्रालय का फैसला करना है। कमेटी ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट जारी कर दी। तो ये रिपोर्ट देखो आपको जारी कर दी गई है, तो अब जल्दी इसके रिगार्डिंग भी आपको जैसे रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर भी एक अलग से नोटिस भी मिल जाएगा और अब आगे जो एग्ज़ाम कब होंगे वो भी शायद जल्दी आपके मार्च के एंड तक ये इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वापस रिजल्ट कब आएगा और आपके एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे। बाकी आपकी कोई क्वायरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो और आप हमारा जैसे आप ये अगर खुद ये डिटेल न्यूज़ देखना चाहते हो तो भी हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे। तो आप टेलीग्राम पे भी ये न्यूज़ देख सकते हो, वहाँ पर भी ये न्यूज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इंस्टाग्राम पे कर देना। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।